मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। ओम साई राम। आज कोरोना वायरस रूपी महामारी के वजह से हमें लगता है कि आज हमारे धर्म और धर्म स्थल भी संकट में हैं। ना मंदिरों में लॉकडाउन के कारण आरती और पूजा हो पा रही है, तो ना मस्जिदों में नमाज, ना गुरुद्वारों में अरदास हो रही है, तो ना चर्चों में प्रार्थना। हर तरफ सन्नाटा सन्नाटा। इस कोरोना वायरस रूपी महामारी के कारण हम जो हमारे त्यौहार हैं, जो हम मनाते चले आए हैं, वो भी नहीं मना पाए। चाहे वो नव संवत्सर हो, नव दुर्गा हो या श्री राम नवमी, पूरे देश में बड़े उत्सव से ये त्यौहार मनाए जाते थे। तो हिंदुओं ने अगर ये त्यौहार नहीं मनाए, तो वहीं हमारे मुस्लिम भाई सवेर रात, और इस समय रमजान का महीना चल रहा है, ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे सिख भाई नौवें गुरु का प्रकाश पर्व ना तो मना पाए, और ना ही वैसाखी का त्यौहार मना पाए, और ना ही पांचवें गुरु का प्रकाश पर्व जो इसी लॉकडाउन के पीरियड में पड़ा। तो अगर सिखों ने ये त्यौहार नहीं मनाए, तो वही हमारे ईसाई भाई गुरु फ्राइडे और ईस्टर जैसे त्यौहार नहीं मना पाए। इन त्योहारों के मनाने की हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाए जाते थे। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सूने हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहां सही तरह से तो आरती और पूजा, अरदास, प्रार्थना भी नहीं की हो पा रही है। हे प्रभु, इस कोरोना वायरस रूपी महामारी को जल्दी से दूर करो, ताकि इन धर्म स्थलों पर उस धर्म के अपने अपने तरीके से लोग पूजा, आरती, अजान, नमाज आदि अदा कर पाए। हमने देखा कि हमारे जितने भी साई मंदिर हैं, श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी पर विशाल भंडारे के आयोजन किए जाते थे। यहाँ तक श्री शिरडी साई सर्वदेव मंदिर जहाँ हम बैठे हैं, हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन होता था। वो भंडारा आज इस लॉकडाउन के कारण हम नहीं कर पाए। हाँ, इतना जरूर है, मेरे साई का कर्म है, मेरे बाबा की कृपा है कि भंडारा बेशक ना कर पाए, परंतु इस लॉकडाउन के प्रथम दिन से शुरुआत करके लगातार दिन रात कुछ मजबूर और मजदूर परिवारों में आर्य समाज अनाथालय के बच्चों को प्रत्येक दिन भोजन कराने की सेवा जरूर की है, क्योंकि साइंस से यही सीखा है। हमेशा बाबा ने कहा है, दीनहीनों की सेवा करो। स्वयं बाबा करते थे, तो बाबा से जो सीखा, अपने धर्म का पालन करते हुए इतना जरूर किया है। परंतु अभी हम सब जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने अपने त्यौहार ना मना पाए, परंतु इन धर्म स्थलों पर पूजा प्रारंभ हो जाए। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना है, इस महामारी से हम सबको, इस संकट से हम सबको उबारो, ताकि मंदिर में आरती पूजा, मस्जिदों में नमाज, गुरुद्वारों में अरदास और चर्चों में प्रार्थनाएं शुरू हो जाएं। आपकी प्रार्थनाएं, ताकि हम सब मिलकर आपकी पूजा आराधना कर सकें। ओम शायरा। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह,
उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।